अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 3, ओपन योर बुक सोशल स्टडीज। टुडे आवर टॉपिक इज अ गुड सिटीजन एंड वी हैव डन द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 24, 25 एंड 26। टुडे वी विल रीड पेज नंबर 27। Let's start our reading. Honesty. Good imandari. Good citizen show a truthful character. एक अच्छा शहरी अपना सच्चा किरदार जाहिर करता है, सच्चा किरदार दिखाता है. They never deceive anyone. किसी को धोखा नहीं देता. They always perform their duties honestly. वो हमेशा अपनी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी के साथ, अपना जो काम है वो ईमानदारी के साथ करते हैं. ठीक है, एक अच्छे शहरी की ये भी क्वालिटी है कि वो ईमानदार होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या है? रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स. दूसरों की राय को इज्जत देना, उनकी अहमियत देना, ये भी अच्छे शहरी की क्वालिटी है कि वो दूसरों की राय को अहमियत देता है, इज्जत देता है. गुड सिटीजन्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी. अच्छे शहरी अपने माशरे के तमाम लोगों की राय को, हर एक की राय को अहमियत देता है. दे लिसन टू द व्यूज़ ऑफ अदर्स. वो दूसरों की राय को, व्यूज़ को सुनता है. एंड थिंक अबाउट व्हाट दे हैव टू से. और सोचते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, उनकी राय को सुनते हैं और सोचते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. दे रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स. वो दूसरों की राय को इज्जत देते हैं, अहमियत देते हैं. दे ऑलवेज कोऑपरेट विद अदर्स. वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं. ठीक है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं. ये आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है. थिंक, हाउ कैन यू मेक योर कम्युनिटी अ बेटर प्लेस फॉर एवरी वन टू लिव. आप अपने माशरे को कैसे सबके रहने के लिए अच्छी जगह बना सकते हैं, ये आप लोग सोचने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया. ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, आज रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है. चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं हमने इस पूरे लेसन में पढ़ा क्या है. अ गुड सिटीजन इज़ अ पर्सन हु फुलफिल हिज रोल एज अ सिटीजन. एक अच्छा शहरी वो ऐसा इंसान होता है जो अपने शहर की के लिए अच्छे किरदार अदा करता है. अ गुड सिटीजन ऑलवेज डील फेयरली विद अदर्स, हेल्प अदर्स, फॉलोज रूल्स एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अच्छा शहरी अच्छे से पेश आता है, सच्चे से दूसरों की मदद करता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है. और उसके फिर बाद में हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स. ठीक है, ये हमने सारे इस लेसन में पढ़ा है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. क्लास 3 क्लास, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 36 आप लोग ओपन करें. तो आज का हमारा उन्वान क्या है? असातिज़ा के हकूक. तो ठीक है, आपको पता है कि हमने इसकी रीडिंग भी की है, सवाल जवाब भी दो कर लिए थे और अल्फाज मायने भी हमने इसके किए हैं. ठीक है, तो आज हमने कौन सा सवाल करना है? जीम. अलिफ और बे हो गया, आज हम क्या करेंगे? जीम. ठीक है, तो आप सब बच्चे भी मेरे साथ इसकी रीडिंग करें, फिर हम इसका जवाब लिखेंगे कॉपी पे. तो सवाल क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उस्ताद के बारे में क्या फ़रमाया? ठीक है, आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा है कि आप सल्लम ने क्या फ़रमाया था उस्ताद के बारे में. आज हम इसका जवाब देंगे. ठीक, सवाल नंबर 1 क्या है? जवाब लिखें. हमने आज जीम वाला सवाल करना है. सवाल हमारा क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उस्ताद के बारे में क्या फ़रमाया है? ठीक है, इसका अब हमने क्या लिखना है? जवाब. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तेरे 3 बाप हैं. एक वो जिसने तुझे जन्म दिया, दूसरा वो जिसने अपनी बेटी तेरे निकाह में दी, और तीसरे वो हैं जिसने तुझे इल्म की दौलत अता की, यानी उस्ताद. इन तीनों में उस्ताद का मर्तबा सबसे अफजल है. ठीक है, अगला सवाल क्या है? दाल. सवाल क्या है? हज़रत इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद का कितना एहतराम करते थे? ठीक है, हमने रीडिंग में पढ़ा है कि वो कितना एहतराम करते थे, अब हम इसका जवाब बताएंगे. हज़रत इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद का बेहद अदब करते थे, मतलब उनकी इज़्ज़त करते थे. ठीक है, वो जब तक ज़िंदा रहे आपने
उनके घर की तरफ कभी पांव नहीं फैलाए। आपके नज़दीक ऐसा करना बेअदबी में दाखिल है। ठीक है, मतलब वो अपने उस्ताद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हज़रत इमाम अबू हनीफा। सही है, ये दो सवाल। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये सवाल नंबर एक जो है अपनी बुक पे करना है। ठीक है, कॉपी पे आप लोग सवाल जवाब लिखोगे, लेकिन ये वाला काम आप लोगों ने बुक पे करना है। तो सवाल क्या है, खाली जगह पुर करें। ठीक है, उस्ताद को रूहानी डैश कहा गया है, उस्ताद को क्या कहा गया है, रूहानी बाप। अगला क्या है, फर्माबरदारी और अतात के बगैर सही डैश हासिल करना मुमकिन ही नहीं, सही तालीम हासिल करना। मतलब जब हम फर्माबरदारी नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो हम क्या है, सही तालीम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी क्या है, उस्ताद इल्म सिखाकर अपने डैश को काबिले इज्जत इंसान बना देता है। किन्हें इल्म सिखाकर, अपने शागिर्दों को। ठीक है, आगे है बा अदब डैश डैश बे नसीब। इसका क्या है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। ठीक है, आगे क्या है, उस्ताद की भी माली डैश होती हैं, क्या इधर आएगा, ज़रूरतें। सही है, आप लोगों ने ये खाली जगह आप लोगों ने लिखनी है बुक पे और याद करनी है, और दो सवाल भी आप लोगों ने लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 3, ओपन योर बुक कंप्यूटर साइंस। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंजॉय विद टक्समेंट, एंड वी हैव डन द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 93, 94 and 95। टुडे वी विल रीड पेज नंबर 96। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स के मुतालिक आज पढ़ेंगे। सम ऑफ द ड्राइंग टूल्स इन टक्स पेंट आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ टूल्स टक्स पेंट के जो ड्राइंग टूल्स हैं वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। As you use these tools, you will hear different sounds. आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं different sounds को सुनते हुए, different आवाज़ों को सुनते हुए। So it will be fun to keep the speakers of your system on. अगर आप लोग अपने system के speaker on करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, enjoy करेंगे आप लोग। ठीक है, first पर क्या है, paint. The paint tool lets you draw stars, arrows and also freehand. Paint tool के ज़रिए आप लोग stars बना सकते हैं, arrows और freehand use इसे कर सकते हैं, done by hand without the help of any devices, अपने हाथ से भी। ठीक है, किसी डिवाइस को यूज़ किए बगैर। The steps are, इसके steps नीचे लिखे हुए हैं। Number 1, click the paint tool पर क्लिक करें। A brush will appear as you take the mouse pointer to the drawing canvas. वहाँ से आप लोग ब्रश वाला जो पेन है ना, ये देखिए आप ब्रश वाला, ये ना ब्रश, यहाँ से आप लोगों ने ब्रश वाले ब्रश को टेक करना है माउस के साथ, माउस पॉइंटर से। ठीक है, नंबर 2, सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर प्लेट बाय क्लिकिंग इट। कलर प्लेट पर क्लिक करके आप लोग कलर, यहाँ से कोई सा भी आप लोग कलर चूज़ करेंगे एक। नंबर 3, आल्सो सेलेक्ट अ साइज फॉर द ब्रश फ्रॉम द सेलेक्टर ऑन द राइट साइड पर सेलेक्टर सा बना हुआ है, उधर आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना साइज़ आप लोगों को रखना है अपने ब्रश का। ठीक है, नंबर 4, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग कैनवस। कैनवस ड्राइंग कैनवस पे आप लोग क्लिक करें, लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ना यहाँ पे लगाएं लाइन, तो वो लग जाएगी। ठीक है, ब्रश के साथ पेंट कर सकते हैं। रिलीज़ द माउस ईच टाइम यू फिनिश अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। जब आप लोग अपने पार्ट ऑफ ड्राइंग, जितनी आप ड्राइंग करना चाहते हैं उसे हम आप लोग कर लेंगे, तो फिर अपने माउस को अपने छोड़ देना। ये पेंट आज हमने पढ़ा है, पेंट वाले पेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।